children, today I am going to continue your next video from chapter 2, that was varying lifestyle of animals. Today I am going to explain you the word meaning given in the book. Okay children, let us start. The first word meaning, that is herbivorous. Herbivorous यानी कि plant eating animals, यानी ऐसे जानवर जो पेड़ पौधों को खाते हैं या शाकाहारी होते हैं, ऐसे जानवर herbivorous कहलाते हैं. Example for cow, goat, deer. Carnivorous. Next is carnivorous. Carnivorous यानी कि carnivorous ऐसे जानवर होते हैं जो flesh eaters होते हैं, यानी कि ऐसे जानवर जो मांस खाते हैं, ऐसे जानवर जो मांस खाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट वी टॉक अबाउट ओमनिवोरस. व्हाट इज ओमनिवोरस? ओमनिवोरस ऐसे जानवर होते हैं दैट दे ईट बोथ प्लांट एंड फ्लैश बोथ, यानी ऐसे जानवर जो मांस भी खाते हैं और पेड़ पौधों को भी खाते हैं, ऐसे जानवर कहलाते हैं ओमनिवोरस. एंड देन लास्ट वर्ड मीनिंग, दैट इज माइग्रेशन. व्हाट इज माइग्रेशन? माइग्रेशन द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, यानी जानवरों का एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करना माइग्रेशन कहलाता है. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट इज गिवन हियर. यू कैन सी, सबसे पहला जो हम बात करने वाले हैं वो पहला है द सराउंडिंग्स इन विच एनिमल्स ग्रो एंड लिव इज कॉल्ड एनवायरमेंट, यानी कि जिस सराउंडिंग में जानवर रहते हैं हम उसे कहते हैं एनवायरमेंट, यानी कि प्रकृति. नेक्स्ट, डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट एनिमल्स डिफर इन साइज, शेप एंड अदर फीचर्स. जानवर जो होते हैं अलग अलग साइज में, उनकी साइज डिफरेंट होती है, उनके शेप डिफरेंट होते हैं, इवन दे आर फीचर्स आल्सो. डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स, और अलग अलग जानवरों की अलग अलग खाने की आदतें भी होती हैं. दे हैव माउथ पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर टाइप ऑफ फूड दे ईट, यानी उनके जो माउथ में जो पार्ट्स होते हैं वो जो भोजन वो करते हैं उनके अकॉर्डिंग ही होते हैं. दे हैव डिफरेंट माउथ पार्ट्स, दे हैव डिफरेंट माउथ पार्ट्स, टीथ एंड बीक्स. ओके चिल्ड्रेन, नेक्स्ट एनिमल्स मूव टू गेट फूड एंड वाटर एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एनिमीज एंड देयर होम्स फॉर रेस्टिंग एंड ब्रीडिंग, यानी एनिमल्स जो होते हैं क्यों मूव करते हैं? ये अपने भोजन की तलाश में और टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज एंड फॉर सेफ ब्रीडिंग ऑल्सो. एनिमल्स हैव डिफरेंट लिम्स फॉर मूवमेंट, यानी जानवरों में अलग अलग प्रकार के लिम्स पाए जाते हैं जिसकी सहायता से वो मूव करते हैं. द लिम्स आर मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर वेज ऑफ मूवमेंट लाइक वॉकिंग, स्विमिंग, फ्लाइंग, रनिंग, क्रॉलिंग एक्सेट्रा, यानी उनके शरीर में जो लिम्स होते हैं वो अलग अलग तरीक़ों से मॉडिफाइड होते हैं जिसके कारण वो आसानी से चल सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, क्रॉल कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ब्रीथिंग ऑर्गन ऑल्सो लाइक लंग्स, गिल्स, स्पैरसल्स, यानी कि जानवर जो होते हैं जिस प्रकार वो हर चीज़ में भिन्न है वैसे ही इनके जो ब्रीथिंग ऑर्गन्स होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं. नेक्स्ट, ओके चिल्ड्रेन, तो ये था आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में मैंने आपको बताया. और सबसे जो लास्ट है, द डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ब्रीथिंग ऑर्गन्स लाइक लंग्स, गिल्स, पैरासेल्स, यानी कि जानवर जो अलग अलग होते हैं तो उनके जो फीचर्स हैं वो भी अलग अलग होते हैं. तो बच्चों, मुझे ये आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया और इसे आप अच्छे से रिवाइज कर लोगे. ओके स्टूडेंट्स, इन द कंटिन्यू वीडियो, नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू चैप्टर 6. ओके.